नहीं बेटा, आज हम एक्चुअल में लाइट रिएक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं और लाइट रिएक्शंस में हम दो तरह के इलेक्ट्रॉन फ्लोज आज पढ़ेंगे। कल हमने लाइट रिएक्शंस के हवाले से पढ़ा था कि उसमें होता क्या है। अगर आप थोड़ा सा आइडिया दे दूं तो हमने ये पढ़ा था कि एक जो आमतौर पर जनरल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें ना, तो हम कहते हैं कि एक साइड में थायलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है और उनके ऊपर लाइट पड़ती है, ये पढ़ा था ना हमने। और जब उन पे लाइट पड़ती है तो उनसे एनर्जी के जरिए दो चीजें बनाई जाती हैं जिसे हम एटीपी और एनएडीपीएच का नाम देते हैं। और वो एक और चीज एक जो है कार्बन, एक साइकिल चलता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता रहता है और वापस जो है वो ये मुख्तलिफ चीजें एडीपी और एनएडीपी। अभी हमने इसमें आज मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया ये वाला क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, सो वी डू नॉट नीड टू रीडिस्कस इट। आज हमने जो बात करनी है वो एक्चुअली द रिएक्शंस है फास्फोरिन, यानी जो हम बात करेंगे दैट इज व्हाट वी से द लाइट रिएक्शंस की एक्चुअल स्कीम। मैंने कल कहा था ना कि हम ये रिएक्शंस को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे जब मैंने आपको सिर्फ फोटोसिस्टम्स की टाइप पढ़ाई थी। बस इतना याद रखिएगा बेटा कि फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 की तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। ये वाली बात आपको आज समझ नहीं आएगी, आपको पता चल गई होगी। अच्छा, अब हम बेटा इसको लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या, ये है एक जो है वो हम कहेंगे दिस इज व्हाट वी से द फोटोसिस्टम 2, ठीक है जी, PS2। और आपको पता है ये इसका एंटीना कॉम्प्लेक्स है और इसी तरह ये इधर इसका रिएक्शन सेंटर है जिसमें एक, मैं सिर्फ इतना लिख देता हूँ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और आपको पता है कि इसके साथ एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल भी होता है। फोटोसिस्टम हमने पढ़ा है, फोटोसिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें होती है। अब स्टार्ट कहां से करना है बेटा, पहला जो पहला स्टेप होगा, मैं लाइट रिएक्शन के स्टेप आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं पूरी डिटेल में आपको खाली जगह पढ़ाऊंगा। तो बेटा होता ये है कि नंबर वन, लाइट इसके ऊपर पड़ती है फोटोसिस्टम 2 के ऊपर, सही है। तो हम कहेंगे जी लाइट, वो रिएक्शन क्या होगा, लाइट फॉल्स ऑन द फोटोसिस्टम 2 एंड एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स टू हाई एनर्जी लेवल। ये जो रिएक्शन सेंटर है इसका, उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हाई, उनकी एनर्जी हाई हो जाती है। क्यों एनर्जी हाई हो जाती है, क्योंकि फोटोसिस्टम 2 के ऊपर सूरज की रोशनी ने अपना असर डाला होता है। समझ आ गई बात की। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं और वो सिर्फ समझाने के लिए हम एक इलेक्ट्रॉन्स को फर्ज किया बेटा, ये मैं दो इलेक्ट्रॉन, आपकी किताब में तो एक की बात की हुई है, मैं दो इलेक्ट्रॉन्स आपके सामने बनाता हूं। उसकी वजह है मैं पीछे से वाटर को तोड़ूंगा तो दो इलेक्ट्रॉन, तो जरा इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, सही है जी। तो होता क्या है कि ये जो पहला स्टेप है दैट इज द फोटोसिस्टम 2 के ऊपर, आपको पता है फोटोसिस्टम 2 के ऊपर कौन सी वाली लाइट पड़ती है, 680 नैनोमीटर वाली। फोटोसिस्टम 1 के ऊपर 700 नैनोमीटर वाली लाइट पड़ती है। तो जो लाइट फोटोसिस्टम 2 के ऊपर पड़ती है वो क्या काम करती है, वो फोटोसिस्टम 2 के सारे क्लोरोफिल से एनर्जी आती रहती है और इसके रिएक्शन सेंटर से एक इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, फर्ज किया एक, फर्ज किया दो, आपकी मर्जी है, तो उस इलेक्ट्रॉन्स को हायर एनर्जी लेवल पे पहुंचा देती है। ये तो पता लग गया, लेकिन बेटा समझ आए इस बात की, है सिंपल, फोटोसिस्टम के ऊपर लाइट पड़ी और इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल पे चला गया। अब बेटा जो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल पे, यानी इस रिएक्शन सेंटर के अंदर ही है लेकिन उसकी एनर्जी हाई हो चुकी है, अब ये आगे शिफ्ट हो जाएगा कहीं, वो कहां शिफ्ट होगा अभी मैं आपको बताता हूं, लेकिन इसकी जगह खाली हो गई। तो ये किसी चीज, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन फर्ज किया ऊपर गया है, तो इसके अंदर इस इलेक्ट्रॉन की सख्त कमी है और ये दबादब इसको कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए। तो जो चीज किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन ले वो उस दूसरे की क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है, रिडक्शन करती है, ऑक्सीडेशन करती है। मैं आपसे इलेक्ट्रॉन छीन लूं तो मैं आपकी ऑक्सीडेशन कर रहा हूं,
ठीक है। तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, इसका मतलब ये है कि इस वक्त ये जो रिएक्शन सेंटर ऑफ दिस है द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो इसका है अपना जो रिएक्शन सेंटर है इसका फोटोसिस्टम 2 का, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और इसका इलेक्ट्रॉन होल यानी जो खाली जगह बची है वो गैप दैट वो इखला वो कमी पूरी होनी चाहिए। और वो कौन पूरी करता है? पानी। वो पानी बेटा कैसे पूरी करता है कि जो वाटर होता है ना वो फर्स्ट किया यहां पे वाटर है और ये वाटर इधर आ जाता है और पीछे निकलती है ऑक्सीजन। इसके रिएक्शन में साइड पे आपको बताऊं वो दूसरा स्टेप है कि पानी जो है H2O will be broken into 2 hydrogen ion plus 2 electrons plus 1 oxygen. सही है। और ये ऑक्सीजन जल्दी से इसी तरह एक और इक्वेशन भी है तो ये एक और ऑक्सीजन के मिल से मिलके फौरी तौर पे O2 बना देगी और ये निकल जाएगी और ये वो ऑक्सीजन है जो फोटोसिंथेसिस के एंड में निकला करती है। अब दो इलेक्ट्रॉन्स और वो जो दो हाइड्रोजन आयन है वो बेटा इसका पार्ट बन गए। समझ आ गई? यानी समझे दो हाइड्रोजन पूरे के पूरे ऐसे H पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अगर उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। सिर्फ इस बात इस प्रोसेस को बेटा कहते हैं फोटोलाइसिस और इसमें कुछ एंजाइम इस्तेमाल होते हैं फोटोलिटिक एंजाइम और लाइट भी इसमें इफेक्ट देती है। किताब में लिखा है ये दूसरा प्रोसेस है। पहला मैंने आपको बता दिया कि द लाइट एनर्जी ऑफ द 680 नैनोमीटर वेवलेंथ दैट फॉल्स ऑन द फोटोसिस्टम 2 इट एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ द दिस फोटोसिस्टम 2 और वो रिएक्शन सेंटर किसको दे देता है? इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जब उसको उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो फिर उन इलेक्ट्रॉन की सख्त कमी वो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए उनको यहां ऊंचा शो किया और उनकी सख्त कमी हो जाती है उन इलेक्ट्रॉन्स की इन दिस एरिया इन द रिएक्शन सेंटर एंड दैट कमी दैट गैप दैट इलेक्ट्रॉन होल इज फिल्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर इन द प्रोसेस कॉल्ड फोटोलाइसिस। ड्यूरिंग द फोटोलाइसिस द लाइट ब्रेक्स द वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड वन ऑक्सीजन इमीडिएटली जॉइंस टू अनदर मेकिंग द O2 एंड दिस इज द मेन ऑक्सीजन व्हिच इज synthesized which is produced as a result of photosynthesis and yahi wo oxygen hai jiske zariye hawa ki environment ki oxygen ki kami ko pura kiya jata hai. So aapko lag gaya pata ke ye do kaam aap achhi tarah samajh rahe hain. Ab ye jo electron hai inke sath kya hoga beta? Ye these electrons which are present at higher energy level these electrons will be brought to the lower energy level by a series of system that is called electron transport chain. ये primary electron acceptor जो है यानी वो ये वाले electron दे देगा एक protein को जिसको हम कहते हैं plastoquinone। बेटा ये देखना यही है कि नहीं है? PQ कहते हैं, ठीक है? वो इसको दे देगा, इसको हम PQ भी कहते हैं। वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये आगे साइटोक्रोम का एक कॉम्प्लेक्स होता है उसको भी साइटोक्रोम BA और A2 नाम से शायद कहीं लिखा हुआ, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ठीक है बेटा? और फिर यहां से एक और प्रोटीन को मिलते हैं और उस प्रोटीन को हम कहते हैं ब्लास्टोसायनिन, इसको हम कहते हैं PC भी कहते हैं और ब्लास्टोसायनिन भी कहते हैं। समझ आ गई तुम अभी साहब? अच्छा इस सारे प्रोसेस के दौरान ये वाले इलेक्ट्रॉन बाद में कहां जाते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान बेटा यहां से अब आप ये तीसरा स्टेप लिखेंगे दी हाई एनर्जी एक्साइट। अच्छा हाई एनर्जी की जाए अगर मैं सीधा लिख दूं ना एक्साइटेड तो आपको कोई मसला नहीं होगा। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आर ब्रॉट टू लो एनर्जी लेवल
by series of different things that they are called as the electron transport chain. और फिर उस पूरी की explanation आप देखेंगे कि वो electron transport chain में primary electron acceptor that gives the electron to plastoquinone, that gives to that cyclochrome complex, 2-3 cyclochrome होते हैं उसमें, and then that transfers the electrons to the plastocyanin. This in while passing through, ये चौथा part है, while passing through the electron transport chain, electrons are brought to the lower energy level and they release energy, and that energy is utilized by the cells, by this thylakoid membrane, to produce ATP by the process of chemiosmosis. उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. तो ये देखें, अब आप क्या लिखेंगे, यानी इस सारे प्रोसीजर के दौरान जो एनर्जी शरीफ निकली है, यानी यहां से समझ रहे ना, that energy is utilized to produce ADP plus inorganic phosphate को convert करती है ATP के अंदर, और ये है वो energy by the process called chemiosmosis. इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. और ये process कहाँ और आता है, thylakoid membranes के ऊपर, क्योंकि ये chain भी thylakoid membrane के अंदर ही है. ये सारी जो proteins हैं thylakoid membrane के अंदर होती हैं, ऐसे लगी भी जिस तरह membrane protein ही होती तो वैसे यहाँ इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. तो यहां तक आप समझ आ गए. तो इसको हम बेटा कहते हैं इस प्रोसेस कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन. इसका मतलब क्या है कि सूरज की रोशनी की मदद से एटीपी को बनाना. समझ आ गई ना. और चूंकि ये इसको कहते हैं, अभी हम बताऊंगा, जब अभी हम नॉन साइक्लिक पढ़ रहे हैं, तो नॉन साइक्लिक के अंदर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन होगी, और साइक्लिक जो बात फिर विस्तार होगा वो अभी आपको बताता हूं उसकी वजह. ठीक है जी. अब बेटा अगली बात अगर मैं आपको बताऊं, तो वो अगर आप गौर करें तो ये जो फोटोसिस्टम 2 है, फोटोसिस्टम 1 सॉरी, वो तो 2 तो वो था ना, फोटोसिस्टम 1 जो है ना बेटा, इसके इस ऑब्वियसली ये भी उसी पत्ते के ऊपर है, उसी क्लोरोप्लास्ट की, उसी थायलाकोइड मेम्ब्रेन या साथ वाली की, उसी थायलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर, तो भाई इसके ऊपर भी तो लाइट पड़ सकती है ना, ऑब्वियसली पड़ती है. लेकिन इस पे जो लाइट पड़ती है वो कौन सी होती है, इस पे जो लाइट पड़ती है वो बेटा होती है 700 नैनोमीटर वाली, वो 680 नैनोमीटर, इस पे 700 नैनोमीटर वाली. इतना में लिखा है बेटा पिछले टॉपिक में. तो 700 वाली लाइट जब इस पे पड़ती है तो ऑब्वियसली भाई साहब इसका भी एक रिएक्शन सेंटर है, और उसमें से भी इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड हुआ करते हैं. मैं दो की एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे याद है इसलिए. ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इससे भी एक्साइट हुए, ऑब्वियसली इनकी कमी भी, इनके अंदर भी कमी हो गई ना, तो वो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो वहां से चेन के जरिए आए हैं वो इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं. तो इसका मसला हल हो गया. समझ आ गई ना. यानी द लाइट के लिए पांचवा स्टेप है बेटा, द लाइट आल्सो पासिस ऑन द फोटो सिस्टम 1 एंड इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी लेवल, and the gap created by those electrons is filled by the electrons coming from the photosystem 2. Photosystem 2 की वजह से जो इलेक्ट्रॉन आए वो इसका गैप फिल करेंगे, और उनका गैप कौन फिल करेगा, पानी शरीफ, पता है ना ये बात पढ़ी. अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन बेटा, इसका जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, आप इसको यहां लिखते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो इन इलेक्ट्रॉन को एक और प्रोटीन को देता है, जिस प्रोटीन को हम कहते हैं फेरिडॉक्सिन, आई थिंक यस बेटा, इसको हम कहते हैं फेरिडॉक्सिन, एफडी प्रोटीन, वो इसको देता है. और वो जो प्रोटीन है वो एक और काम करती है, यहां पे वो एक एंजाइम होता है एनएडीपी रिडक्टेज, यानी एनएडीपी की रिडक्शन करने वाला एंजाइम. वो क्या काम करता है, वो NADP के अंदर वो हाइड्रोजन आइंस, वो वाले ये वाले और इलेक्ट्रॉन, यानी इसका मतलब ये है कि NADP प्लस हाइड्रोजन आइंस प्लस इलेक्ट्रॉन. अब दो इलेक्ट्रॉन थे तो आप ये भी दो लिख लें, ये भी दो लिख लें, तो इससे क्या बनेगा, दो NADPH, और NADPH भी बन गया.
सही है। तो इस प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं कि इसमें अगर आप गौर करें तो ये वाले सारे स्टेप्स पूरे हो गए हैं कि भी नॉन सचा पैराडॉक्सन वाला भी पूरा पढ़ लिया। और इसमें देखें अगर आप इस पूरे को की शक्ल जेड की शक्ल से समझिए तो इसको हम जी स्कीम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जी स्कीम। पढ़ाने में इसकी शक्ल एन से मिलती है, जी स्कीम से मुराद ये और चीज है बिकॉज हमने ब्रेन की स्ट्रक्चर में जब इसको देखे तो वैसा है। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा गैप मतलब थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, फिर आपको साथ ही साइक्लिंग भी पढ़ा देता हूँ, आसान है। रिपीट करने से मुराद बेटा क्या है? नंबर वन इज द लाइट फॉल्स ऑन द फोटोसिस्टम टू एंड एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन टू द हायर एनर्जी लेवल इन द प्राइमरी व्हिच आर एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। The gap created by the excitation of electron is filled by the process called photolysis, in which the water is broken down in the by the presence of certain enzymes and light into the hydrogen ions and electrons and oxygen. That oxygen immediately binds to the another oxygen atom, creating the water molecule. Then this one part, kya hai? These electrons are passed through the electron transport chain, which consists of following steps. इनकी तरतीब ये है और चौथा स्टेप क्या है? एनर्जी। व्हेन द इलेक्ट्रॉन आर ब्रॉट टू द लोअर एनर्जी लेवल दे रिलीज द एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय थायरॉइड मेम्ब्रेन टू प्रोड्यूस एटीपी बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज केमीओस्मोसिस। सही है, द सिंथेसिस, बिकॉज ये है सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय यूजिंग द लाइट, तो इसको हम फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहेंगे। अब the light also falls on the photosystem 1 and photosystem its electrons are excited at the gap, the hole created by those electron excitation that is filled by the electrons which are coming from the photosystem 2 उधर से आ रहे हैं। And then the electrons of the photosystem 1 they are transferred by the primary electron acceptor to a protein called pyridoxine, which are transferred those electrons to an enzymes called NAD3 reductase, which reduces the NADP, creating the NA, nicotinamide, adenine dinucleotide phosphate hydrogen. सही है, and ये वो दोनों चीजें light reaction से यही दो चीजें बनती थी ना, ATP और NADPH। ये बात बेटा बेटा अब सवाल एक कर रहा सर, बेटा कभी कभी ना NADPH पूरा होता है लेकिन ATP कम होती है, कहीं यूज हो चुकी होती है या उसकी प्रोडक्शन वैसे ही कम हुई होती है, उस सिचुएशन में क्या होता है? यानी फर्क किया, एटीपी बहुत एनएडीपीएच बहुत ज्यादा है, एटीपी बहुत कम है। अब डार्क रिएक्शन में तो ये दोनों चीजें इस्तेमाल होनी है, हमने हमने वो अपने अपने वाले उसमें पढ़ा था लेक्चर में। ठीक है, जब डार्क रिएक्शन में दोनों चीजें इस्तेमाल होती है तो एटीपी की कमी को कैसे पूरा किया जाता है? उसके लिए बेटा साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, यानी साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन इस्तेमाल होती है। कैसे? उसमें होता है कि फोटोसिस्टम 2 इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इस्तेमाल होता है। और उसमें क्या होता है कि फोटोसिस्टम 1 में, यानी आप उसमें लिखेंगे फोटोसिस्टम इन दिस ओनली फोटोसिस्टम 1 इज नॉट, क्यों होती है साइक्लिक फास्फोरिलेशन? ड्यू टू द राइज इन द लेवल ऑफ NADPH एंड डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एटीपी। तो एटीपी की कमी की वजह से ओनली फोटोसिस्टम 2 बिकम्स इन्वॉल्व एंड फोटोसिस्टम 1 एक दफा फोटोसिस्टम 2 रुक जाता है, फोटोसिस्टम 1 सिर्फ इस्तेमाल होता है। और फोटोसिस्टम 1 कैसे काम करता है कि जो इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो इलेक्ट्रॉन को इधर देने की बजाय पेरिडॉक्सिन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को वापस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को दे देती है। तो पेरिडॉक्सिन और पेरिडॉक्सिन दोबारा इन इलेक्ट्रॉन्स को इसको दे देती है। समझ रहे हैं ना बात को? ये मैं ऐसे बना देता हूं, पेरिडॉक्सिन दैट गिव्स द इलेक्ट्रॉन्स टू दिस। सो बेटा बार बार इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आते जाएंगे, बार बार उनसे एटीपी बनता जाएगा, वो इधर एनएडीपीएच की तरफ जाने की बजाय वो इलेक्ट्रॉन्स इधर आते जाएंगे। तो इस इन दिस द इलेक्ट्रॉन्स आर रिटर्न बैक टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और यानी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच कॉजेस द फर्दर इनक्रीज। यानी यहां से भी देखो इधर के तो आने ही आ रहे थे, देखो इधर के तो आ ही रहे हैं ना, आ रहे हैं, और फिर इधर के इधर जाने की बजाय एनएडीपीएच जाने की बजाय वापस एटीपी में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि एनएडीपीएच फिक्स रहता है लेकिन एटीपी का लेवल बढ़ जाता है, तो जब बराबर हो जाता है तो फिर वही वो नॉन साइक्लिक काम चलने लगता है, जिसको हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये आपको समझ आ गया होगा, आपसे मिलता हूं इंशाल्लाह कल, इजाजत दीजिए अल्लाह।